दिल्ली सरकार के एक फरमान ने हरिनगर के सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले डीटीसी ने हरिनगर डिपो के ठीक सामने डीटीसी कॉलोनी में सालों से रह रहे लोगों को एकाएक घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। इससे सैकड़ों लोगों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है और वहीं दूसरी ओर आप पार्टी की कथनी और करनी पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। अब इस समय कहाँ जाएं जो आप घर से बेघर हो जाएंगे, क्या करें, थोड़ा सा ठिकाना है ना, मिलने का टाइम मिल रहा है, हमारे यहाँ टैग पड़ गए, हमारे यहाँ रोड पे आ चुके हैं हम लोग। ऐसी हालात में अगर केजरीवाल घर से निकालेंगे तो किसको सरकार बनाएगी? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मर के हम कहाँ जाएं? नहीं, यहाँ से जाने का नहीं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के हरिनगर डीटीसी कॉलोनी के बाहर। यहाँ पर ये लोगों का हुजूम, बुजुर्गों का हुजूम इसलिए इकट्ठा है क्योंकि किसी भी पल इनका आशियाना छिन सकता है, ऐसा दिल्ली सरकार ने अपने ऑर्डर में बोला है। एक तरफ कोविड की महामारी और दूसरी तरफ बुजुर्गों पर ये अत्याचार, बड़ी हैरत होती है राजनीति को देखते हुए। एक तरफ अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि जब वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले बुजुर्गों को दी जाएगी ताकि देश का बुजुर्ग और बच्चा बच सके। लेकिन अगर इन लोगों की माने तो ये डीटीसी के जो फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 60 से 65 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और ऐसे महामारी के दौर पर दिल्ली सरकार इनको बेघर करना चाहती है। आखिर इस बुरी हालत में ये बुजुर्ग जाए तो जाए कहाँ? मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं, आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। आपको ये जानना चाहती हूँ आपसे मैं कि आखिर यहाँ पर ऐसी क्या है, मतलब सब लोग इकट्ठे हैं, क्यों ये लोग आपका मकान खाली कराना चाह रहे हैं? ये इसीलिए खाली कराना चाहते हैं जी, इन्होंने जो घोटाले कर रखे, हमें और की लाशों को बेच के अपने घोटाले पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते मैं नहीं बता सकती। इस टाइम मेरी उम्र 75 साल है, अटैक की मैं मरीज हूँ और कोरोना महामारी इतनी चल रही है, या बुजुर्गों को लेके जा कर सकती हूँ? कल ये औरत ही इतनी जोर से गिर पड़ी है, दो आदमियों ने इसको उठाया है। यह है पश्चिमी दिल्ली का हरिनगर इलाका जहां डीटीसी कर्मचारियों को फ्लैट अलॉट किया गया था, जहां ये परिवार लगभग 4 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार के एक आदेश ने हरिनगर के इलाके में रहने वाले डीटीसी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। 20 नवंबर को जारी हुए एक नोटिस में लिखा गया है कि एक हफ्ते के अंदर मकान खाली कर दिए जाएं और ऐसा नहीं करने पर फोर्स के बल पर मकान खाली कर दिए जाएंगे। इस तुगलकी फरमान ने करीब 60 सालों से रह रहे लोगों को सड़क पर ला दिया है। ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो डीटीसी हरिनगर में रहने वाले निवासी हैं, जो उनको 4 दिन में घर खाली करने का जो नोटिस पकड़ा है, एक तरह की तानाशाही है। कोविड के समय पे जो ऐसी महामारी है उसके समय में आप किसी को घर खाली करने का 4 दिन का नोटिस पकड़ाएं, बीमार लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 40-40, 60-60 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, लगता है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों की, दिल्ली वासियों की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे केस में जो रहने वाले निवासी हैं वो तुरंत कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, इस पर स्टे ले सकते हैं, कोर्ट इनको तुरंत स्टे देगी और उस दौरान वो सरकार से मुआवजा मांग सकते हैं कहीं पे और अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का, जब थोड़ी कोविड बीमारी ठीक हो जाए, सब समय थोड़ा ठीक हो तो आराम से, ताकि शिफ्ट कर सके। ये 80 वर्ष के यहाँ पर तकरीबन जितने भी लोग हैं, 60-65
की उम्र से बड़े ही हैं। ता उम्र इनकी यहां बीत गई, बावजूद इसके अब अचानक महामारी के दौर पर इस तरीके से इन्हें राज्य सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से जो है ऐसे नोटिस मिल रहे हैं। आखिर ऐसे वक्त पर जाएं तो जाएं कहां? आखिर केजरीवाल सरकार कब जागेगी? दिल्ली सरकार कब बुजुर्गों की सुनेगी? जब वोट की बात आती है तो सरकार इनके चौखटों तक आती है और आज इनको एक फरमान दे दिया बेघर होने का। पिछले एक हफ्ते से लोगों के गले से खाना नहीं उतर रहा है, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाओं और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी का यही सोचना है कि इतने कम समय में रहने की व्यवस्था कहीं और कैसे की जाए। फोर्स के बल पर मकान खाली कराए जाने को लेकर खासा परेशान है। डीटीसी मकानों का केस काफी पुराना है, जिसमें डीटीसी ने पहले तो ये मकान डीटीसी कर्मचारियों को रहने के लिए अलॉट कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने इन मकानों को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। अब सरकार की तरफ से बलपूर्वक मकान खाली कराने की बात कह दी गई है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हमारा घर मछीनो, यहाँ की वजह यही है जी, डीटीसी मिलकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमको बाहर निकालना चाहती है, और जबकि हमारी ये पैसे भी मकानों के ले चुकी है। इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया है कि 3 दिन के अंदर ये लोग अपना घर खाली कर दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। सरकार ने ये कहा है कि आपको नोटिस दिया है, आप घर खाली कीजिए, 2 दिन बाद ये फोर्स लेकर सरकार यहाँ पर आके इनका ये खाली करेगी। डीटीसी सरकार के साथ मिलके, दिल्ली सरकार के साथ मिलके ये काम कर रही है। इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद है मेरे साथ, जिनके आशियाना छिन रहे हैं। कोरोना काल में घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देने वाली दिल्ली सरकार अब खुद सैकड़ों लोगों को बेघर कर मौत के मुंह में धकेलने को तैयार है। जब पीड़ित लोगों ने हरिनगर के आप पार्टी विधायक से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इन सैकड़ों पीड़ितों की गुहार को सुनने से इनकार कर दिया। नोटिस तो उन्होंने ये दिया है कि अपने 2 तारीख को बलडोजर चला देना है, कभी कोई आता है डीटीसी से आता है गोली मार दी जाएगी, आप लोगों को जहाँ जाता है जाओ, हमारे का कोई मतलब नहीं, जबकि हमको मकान अपना दे दी गया, हम यहाँ इकट्ठे नहीं करें। जब गवर्नमेंट कोई सुनेगी नहीं, डीटीसी सुनेगी नहीं, तो बेटा हम जाएंगे कहाँ पर, आप ही बता दीजिए ना। 3 दिन पहले नोटिस आया था कि खाली करवाने के लिए, सब तब इतना परेशान चल रहे हैं, तब से मैम मेरी मम्मा बीमार पड़ी है 1.5 महीने से, 8 महीने से मैं कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकली, बट एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया मेरे को घर से बाहर आना पड़ा है, मम्मा को छोड़ के, उनकी तबीयत छोड़ के, उनको अकेला छोड़ के बीमारी में मेरे को बाहर आके यहाँ पे ये चीज़ों में आना पड़ रहा है घर से बाहर, क्योंकि हमारे को घर से निकालने के लिए उन्होंने नोटिस कह दिया कि आपको निकाल देंगे। ये लोग यहाँ पर पिछले 60-65 साल से रह रहे हैं, बावजूद इसके इनको एक नोटिस मिलता है, और वो भी सबसे बड़ी हैरत की बात है कोविड के टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोविड के टाइम पर इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए। कुछ भी नहीं पता था, सडनली हमें भी पता चला है कि हमें ये नोटिस मिल गया कि हमें इमीडिएटली घर खाली करना है, वरना बिलडोजर चल जाएगा। हमारी स्टडी भी नहीं हो पा रही है, हमारे मम्मी पापा की यहाँ तक तबियत खराब है, हम क्या करेंगे, हम मम्मी पापा को देखें या फिर किराए का घर ढूंढें, आप खुद बताइए। केजरीवाल सर ने तो बोल दिया कि हम उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कहाँ पे जाएंगे। ना विधायक जी इनकी गुहार सुनने को तैयार है और ना ही दिल्ली की सरकार। ऐसे में कोरोना काल में इन सैकड़ों परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। 4 पीढ़ियों से रहने के बाद अब सभी परेशान हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। दूसरी ओर घर खाली करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इतने कम समय में रहने की दूसरी व्यवस्था करना हर किसी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ऊपर से घर खाली ना करने पर फोर्स के दम पर खाली कराने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे सैकड़ों लोगों पर बेघर होने की मुसीबत आन खड़ी हुई है। मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी का पता है, इसलिए कि डीटीसी में जो भारतीय मजदूर संघ थे, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 1999 से लेकर के 2006 तक। ये हमारी एक डिमांड थी जो सरकार ने 1978 में पास किया कि सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम में जितने मकान बने आपको
उनको कीमत लेकर के ऑनरशिप देते हैं। एकमात्र इस डिसीजन से जो है वो भी कोविड के टाइम पर सारी दिल्ली ऐसे बुजुर्गों के बच्चों के और इन स्टूडेंट्स की सबके लाइफस्टाइल पूरी तरह से एकदम से जो है डिस्टर्ब हो चुका है। हैरत होती है, दिल्ली एक हॉट जोन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार दिल्ली सरकार को ये फटकार लगा रहा है कि आखिर कोविड बढ़ कैसे रहा है। एक तरफ आरटीपीसीआर टेस्ट की जो है इन लोगों ने बढ़ोतरी कर दी है, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, एक तरफ कोविड को कंट्रोल करने की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी महामारी के दौर में इस तरीके का नोटिस देकर बुजुर्गों को बच्चों को बेघर करना बड़ी हैरत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे वक्त पर इनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया तो आखिर ये जनता दिल्ली की जाएगी तो जाएगी कहां। मिताली चंदोला, नेटवर्क 10, दिल्ली।